आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एकदम चटाकेदार, मसालेदार, बिल्कुल तीखा तीखा, मीठा, खट्टा, बहुत सारे फ्लेवर से भरा हुआ गोलगप्पे का पानी। गोलगप्पे का पानी बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ऐसे आप आसानी से घर पे बना सकते हैं। जब कभी भी आप गोलगप्पे बाहर खाने गए होंगे तो ठेले वाले के पास जैसा पानी मिलता है बिल्कुल चटाकेदार, ऐसा ही हम पानी बनाएंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी, सोनी फूड स्टाइल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और जब भी आप बेल आइकन प्रेस करेंगी तो ऑल लिखा हुआ आएगा तो वहाँ भी आप क्लिक कर लीजिए। सबसे पहले हम यहाँ गोलगप्पे का तीखा वाला पानी बनाएंगे। तीखे वाले पानी को बनाने के लिए यहाँ मैंने एक कप धनिया पत्ती ली है। इसके मैंने जो मोटे वाले डंठल है वो निकाल दिए हैं और जो पतले वाले हैं वो मैंने ले लिए हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत सारा फ्लेवर होता है। और इसी के साथ मैंने आधा कप यहाँ पुदीना लिया है। पुदीना एक बहुत ही अच्छी इसको खुशबू भी देगा और बहुत ही अच्छी इसमें फ्रेशनेस होती है, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। तीन मैंने यहाँ हरी मिर्च ली है, अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। और दो मैंने यहाँ अदरक के टुकड़े लिए हैं, चलिए इसे भी डाल लेते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डाल लूँगी, आप इसमें ठंडा पानी इस्तेमाल करना या आप दो से तीन बर्फ़ के टुकड़े भी डाल सकते हैं। और दो बड़े चम्मच मैंने यहाँ चीनी ली है, जिससे थोड़ा सा बैलेंस रहे, ज़्यादा तीखा ना लगे। तो चलिए भी डाल लेते हैं और इसका एक स्मूथ सा हम पेस्ट बना लेंगे, जैसे चटनी बनाते हैं ऐसे ही स्मूथ सा मैंने पेस्ट बना लिया है। चलिए अब इसे हम छान लेंगे और इसमें पानी मिक्स कर लेंगे। आप इसे ऐसे भी पी सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ छान रही हूँ। तो चलिए इसे अच्छे से छान लेंगे और करीब करीब इसमें एक लीटर हम पानी डाल लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी डाल रही हूँ जिससे ये अच्छे से छन जाए। अच्छे से हम छान लेंगे और जो ये बच गया है हमारा, इसे हम फेंकेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे, इसमें बहुत सारा फ्लेवर है। आप इसे चटनी बनाए तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं या आप सब्ज़ी में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसको फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। अब मैंने यहाँ तीन कप पानी इसमें डाल लिया है, लेकिन हाँ इसे मुझे ये थोड़ा सा कम लग रहा है तो एक कप में पानी और डालूंगी। टोटल इसमें एक लीटर पानी मैंने डाल लिया है। देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया है, बहुत ही टेस्टी ये बना है। लेकिन अभी मसाले डालने इसमें बाकी हैं तो मसाले डाल लेते हैं। यहाँ मैंने एक चौथाई छोटी चम्मच भुनी हुई सौंफ ली है और एक चौथाई छोटी चम्मच मैंने भुना हुआ जीरा लिया है, उसे तवे पर भून के मैंने थोड़ा क्रश कर लिया है। एक चौथाई छोटी चम्मच मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया है। एक से दो चुटकी मैंने यहाँ हींग ली है, इससे हींग का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा पानी में। गोलगप्पे के पानी में हींग बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। एक चौथाई छोटी चम्मच यहाँ काला नमक डाल लिया है, गोलगप्पे के पानी में काला नमक ही जाएगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा। इससे नमक आप स्वाद अनुसार ले सकते हैं। और एक छोटी चम्मच मैंने यहाँ, आधी छोटी चम्मच मैंने यहाँ लाल मिर्च पाउडर लिया है। एक चौथाई छोटी चम्मच चाट मसाला लिया है, गोलगप्पे के पानी में चाट मसाला आप ज़रूर डालना, बहुत ही टेस्टी लगेगा इससे। एक चौथाई छोटी चम्मच मैंने यहाँ अमचूर पाउडर लिया है, अगर आपको अमचूर पाउडर नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। चलिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जो इसमें मसाले की गांठ सी बन गई है उसे भी हम तोड़ लेंगे। दो बड़े चम्मच मैंने यहाँ नींबू का रस लिया है, इसे भी डाल लेते हैं, इसे बहुत ही टेस्टी लगेगा ये, बिल्कुल खट्टा खट्टा, तीखा तीखा, बहुत टेस्टी बनेगा। तो चलिए इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और दो बड़े चम्मच मैंने यहाँ इमली की चटनी ली है, इसे भी डाल लेंगे, ज़्यादा तीखा नहीं लगेगा। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें इमली की चटनी आप ज़रूर डालना। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं, इसके बगैर भी बहुत टेस्टी लगेगा आपको। यहाँ मैंने बूंदी ली है, बूंदी बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो इसके बगैर भी आप बना सकते हैं, इसके बगैर भी बहुत टेस्टी लगेगा।
तो चलिए इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गोलगप्पे का तीखे वाला पानी हमारा बिल्कुल तैयार है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा है। आपको मसाले कम ज़्यादा पसंद है तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए अब हम मीठे वाला पानी बना लेते हैं। उसके लिए मैंने 100 ग्राम इमली को पहले ही पानी में भिगो दिया था। आप गर्म पानी में भिगो लेना या नॉर्मल पानी में। और उसको मैंने मसल मसल के उसके बीज निकाल के और एक स्मूथ सा मैंने पेस्ट बना लिया है। मिक्सी में अच्छे से पीस के इसका पेस्ट बना लिया और इसको अच्छे से छान लिया है। इसी के साथ मैंने यहाँ जितनी हमने इमली है उतना ही गुड़ लिया है। आप गुड़ की जगह चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने 100 ग्राम इमली ली थी तो 100 ग्राम ही मैंने गुड़ लिया है। तो चलिए इसे हम पैन में डाल लेंगे और गुड़ लिया है उसे भी डाल लेंगे हम, और गैस पे रख के इसे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। 3 से 4 मिनट हमें इसे लगातार चलाते हुए पकाना है और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखना है, जिससे गुड़ बहुत ही अच्छे से पिघल जाएगा। देखिए इसमें उबाल आ गया है और गुड़ भी हमारा अच्छे से पिघल गया है। अब हम इसमें मसाले ऐड कर लेंगे। 1/4 छोटी चम्मच मैंने यहाँ भुना हुआ जीरा लिया है। भुना हुआ जीरा ही हमें इसमें डालना, बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा। 1/4 छोटी चम्मच मैंने यहाँ काली मिर्च का पाउडर लिया है। 1/4 छोटी चम्मच चाट मसाला, 1/4 छोटी चम्मच मैंने यहाँ अमचूर पाउडर लिया है, 1/2 छोटी चम्मच यहाँ लाल मिर्च का पाउडर लिया है। आपको कम मसाले पसंद है तो आप इसमें कम डाल सकते हैं। 1/4 छोटी चम्मच मैंने यहाँ सौंफ का पाउडर लिया है। चलिए इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1/4 छोटी चम्मच मैंने काला नमक लिया है। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा, लेकिन काला नमक इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छी है और जैसे जैसे ये ठंडी होगी तो बहुत ही थिक भी होती चली जाएगी, बहुत गाढ़ी गाढ़ी हो जाएगी। अगर इमली की चटनी की वीडियो आपको चाहिए तो मैंने पहले आपके साथ शेयर की है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। चलिए मैंने इसको ठंडा कर लिया है और उसमें से आधा मैंने ले लिया है। इसमें हम करीब करीब 3 से 4 कप पानी डाल लेंगे। करीब करीब हमें 1 लीटर पानी इसमें डालना है। मसाले हमने पहले डाल लिए हैं तो पानी डालने से थोड़े से मसाले कम हो गए हैं तो हम वो भी थोड़े से डाल लेंगे। यहाँ मैंने बूंदी ली है। बूंदी बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो इसके बगैर भी बना सकते हैं। चलिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम थोड़े से मसाले ऐड कर लेंगे, ज़्यादा नहीं करने हैं, बस थोड़े से ही। 1/2 छोटी चम्मच मैंने यहाँ लाल मिर्च पाउडर लिया है, जिससे बहुत ही अच्छा कलर भी आएगा। और ये मीठा पानी है, इसमें मैंने मिर्ची का यूज़ नहीं किया है तो थोड़ा सा इसमें हल्का सा इसमें मिर्ची आ जाएगी, मतलब थोड़ा सा मिर्ची भी चाहिए। 1/4 छोटी चम्मच मैंने भुना हुआ जीरा लिया है। 1/4 छोटी चम्मच मैंने यहाँ काला नमक लिया है। आप चक्कर देख लेना, अगर कम हो तो आप नमक और डाल सकते हैं। तो चलिए ये भी हमारा बनकर तैयार है। अब हम इसमें थोड़ी सी बर्फ़ डाल लेते हैं इसे ठंडा करने के लिए, क्योंकि बिल्कुल ठंडा ठंडा ही गोलगप्पे का पानी बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए इसे बर्फ़ दोनों मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। तीखे वाला पानी भी बनकर तैयार है और मीठे वाला पानी भी बनकर हमारा तैयार है। देखिए बहुत ही अच्छा, बिल्कुल टेस्टी हमारा पानी बना है। आप इसको ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे घर पर ही बहुत ही ज़्यादा आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको खट्टा मीठा तीखा पानी चाहिए तो आप थोड़ा सा तीखे वाला पानी ले लेना, ये डाल लेंगे हम, और थोड़ा सा हम मीठे वाला पानी डाल लेंगे ऐसे। देखिए हमारा खट्टा मीठा तीखा और बिल्कुल बहुत ही सारे फ्लेवर के साथ ये पानी बना है। देखिए बना दिए ना हमने इसी से
तीन तरह के पानी आप ऐसे बना सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो आप वैसे इसको बना सकते हैं, और जो भी आपको पसंद हो उसे आप इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ मैंने थोड़ा सा मसाला बनाया है। अब पानी बनाया है तो वही गोलगप्पे तो खाने बनते हैं, तो चलिए हम थोड़ा सा मसाला डाल लेंगे। और जो मेरा फेवरेट है पानी, खट्टा मीठा तीखा, देखिए ये वाला। थोड़ी सी मैंने सेव डाल दी है, थोड़ी सी दही डाल दी है, और थोड़ी सी मैंने यहाँ इमली की चटनी डाल दी है। तो चलिए वो इन्जॉय करते हैं। यहाँ मैंने एक और बनाया है, थोड़ी सी दही डाल लेते हैं, थोड़ी सी वही इमली की चटनी भी डाल लेते हैं। चलिए वाओ, अब चलिए मीठे वाला पानी भी चख लेते हैं कैसा बना है हमारा। वाओ, आ गया ना आपके भी मुंह में पानी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पानी बना है और बहुत ही सारे फ्लेवर के साथ आप इन्जॉय कर सकते हैं। अगर आपको गोलगप्पे की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं गोलगप्पे की रेसिपी आप भी आपके साथ शेयर करूँगी। एक तीखे वाला भी बना लेते हैं हम, बहुत ही टेस्टी डिलीशियस हमारा पानी बनकर तैयार हुआ है। थोड़ा सा दही और डाल लेते हैं, थोड़ी सी इमली की चटनी भी डाल लेंगे भाई। बिल्कुल चटाकेदार हमारा पानी है। अगर आपको तीखे वाला पसंद है तो आप तीखे वाले पानी के साथ खा सकते हैं। देखिए बहुत ही टेस्टी है ये। गोलगप्पे भी हमारे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं, तो आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। आपको तीखे वाला पसंद है तो तीखे वाला लीजिए, मीठे वाला पसंद है तो आप उसी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए तो आप ऐसे बना सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। वाह, बहुत ही टेस्टी बना है हमारा ये पानी। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ईट हेल्दी स्टे हेल्दी।